हाथ चेक कर, मेरा माथा चेक कर, बुखार तो नहीं है, मुझे बुखार तो नहीं है, तो आप खाओ पियो थोड़ा कम, ठीक है, अपनी बीवी की बात ज्यादा मानो। So all chula walas are going there. तो गाइस गलती से किसी और का सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया था। नमस्ते, राम राम, कैसे आप लोग सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस दिन स्टार्ट हो चुका है बच्चों के स्कूल टाइमिंग से, तो आ गए इनको छोड़ने हम, और छोड़ के रेडी होते हैं क्योंकि आज मुझे 10 बजे तक निकलना है। कहाँ निकलना है आपको घर जाके वापस बताते हैं। गुड डे, चलो बाय। देखो मायरा का भाई आया है मेरे लिए कुछ लेकर, और इतना हीरो बनके कौन आया है सुबह सुबह? ये किसके पहने हैं तुमने? तुम्हारे तो नहीं है, स्कूल में नहीं है। स्कूल से मिले थे। सच्ची में? वाओ यार, आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। और ये कॉफी किसके लिए? सच में थैंक यू, चलो बाय। तो गाइस टाइम हो रहा है 10, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि मैं 10 o'clock कहीं जाने वाली हूँ। और एक्चुअली मैं, आपने मेरे लास्ट फ्यू व्लॉग्स में, मेरे बर्थडे व्लॉग में भी देखा होगा, मैं मेरी एक भाभी को मिली थी, तो उनका एक इवेंट है जिसके लिए उन्होंने इनवाइट किया है, उसी इवेंट में जा रही हूँ। एंड इवेंट इज़ ऑल अबाउट अ मेकअप ट्यूटोरियल, तो इट्स अबाउट सेल्फ टाइम, सेल्फ ग्रूमिंग, तो देखते हैं क्या होता है। मेरे लिए भी नया ही है ऐसा कोई इवेंट, मैं भी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ, तो बस अभी चल रही हूँ मैं अपना हेयर डू करवाने, वहाँ से मैं सीधे जी निकल जाऊँगी, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में बाहर। तो गाइज मैं तो पहुँच गई, और मैं एक्चुअली बाहर से देखा तो ये लाइट्स ही ऑन नहीं थी अंदर। मैंने कहा यार 10 बजे का अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, अब तक तुम लोगों ने खोला नहीं है, बट फिर मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने कहा वापस जाने से बेटर है फ़ोन कर लूँ, तो पता चला कि वो अंदर हैं लेकिन अभी कुछ ऑन वॉन नहीं किया हुआ था, तो बस कराती हूँ आप अपना हेयर डू। तो गाइस हो गया है मेरा हेयर डू, और ऐसा है जी कुछ लुक ऑफ द डे। सो चलो, तो गाइस रतन ने मुझे पिक कर लिया है, और दो दिन से ना भी रतन की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो मैं रतन को कह रही थी कि यार एक तो मौसम ऐसा ऐसा, रोज रोज उठ के मेरा हाथ चेक कर, मेरा माथा चेक कर, मुझे बुखार तो नहीं है, जबरदस्ती बुखार यार, हाथ लगा के मेरे हाथ ज्यादा गर्म होते हैं हमेशा ही रतन से। मैंने कहा हमेशा एक ही बात पूछते हो, तो कोई बुखार नहीं था, लेकिन रतन की चुल होती है बहुत ज़्यादा कि मैं तो ना डॉक्टर को दिखा लूँ। वैसे यार अच्छी बात भी होती है ये कि आपको थोड़ा सा भी कुछ लगे तो यार आपको जाके दिखा लेना चाहिए इससे पहले कि ज़्यादा कुछ हो जाए। तो रतन ने दिखा लिया, और डॉक्टर ने बोला आपको कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ कुछ खाए पिए का असर हुआ है तो आप खाओ पियो थोड़ा कम, ठीक है, अपनी बीवी की बात ज़्यादा मानो। मैंने बोला था कि कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं है, प्रेस करो थोड़ा, ये मौसम ऐसा हो रहा है, इतना गंदा मौसम है ना यार, इतनी गंदी ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, तो बस यही था और कुछ नहीं, तो दिखा लिया है, संतुष्टि हो गई है। अब चलो अब मुझे छोड़ने जा रहे हैं, और रेस्ट करोगे अब आप तो, आपको 3 दिन का कोर्स दे दिया पेशेंट बनना भी तो ज़रूरी है ना, अब दवाई दी है तो रेस्ट नहीं करूँगा। नहीं करूँगा क्यों? रेस्ट आपको सूट नहीं करता एक्चुअली। कहाँ घूमोगे? मौज लूंगा। मौज तो ले ही रहे हो, इतनी मौज दे रही हूँ मैं आपको, और क्या, देखो आपको कहाँ कहाँ मैं बोलती हूँ छोड़ने के लिए, मुझे घूम ही रहे हो आप तो चलो यार फिर अब पहुँचते हैं, मैं लेट बहुत हूँ, मेरा टाइम 11 बजे था पहुँचने का, और टाइम हो चुका है बस देखो 5 मिनट हैं 11 बजने को, 10:50 पे बोला था भाभी ने कि पहुंच जाना, अब ट्रैफिक भी मिलेगा, और मेरे को लग रहा है मैं 11:15 से पहले नहीं पहुंचने वाली हूँ, तो चलो एनीवेज पहुंचना तो गई, पहुंचते हैं। अपने चश्मे मुझे पता था निकाल लोगे साथ ही
कैफे सोचने लग गया था कहाँ बैठ के काम करूँ। मैं तेरे को भूल ही गया था यार, मेरे को ही भूल गए थे, साथ बैठी हूँ आपके, मेरे को कैसे भूल सकते हो। वाह। तो गाइस इस मॉल के अंदर हम पहुंच गए हैं, इस क्रॉस पॉइंट मॉल, और जहां मैं जा रही हूँ उस जगह का नाम है जी नोवेयर। थोड़ा सा लेट हूँ मैं, मतलब 15 या 20 मिनट्स हो चुके हैं, तो फटाफट भागते हैं अंदर, देखते हैं कैसा माहौल है और क्या चल रहा है अंदर। स्टार्ट तो नहीं हो चुका है कुछ यार, आई डोंट वांट टू मिस इवन अ सेकेंड। लेट्स गो। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ यहाँ पे, सो आई डोंट नो कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, बट द इंडियंस लुक्स क्वाइट नाइस, सो लेट्स गो। पास तो आ रही है मुझे कुछ लेडीज़ की, सो आई थिंक आई एम हियर। तो कंचन भाभी को ढूंढते हैं, वो कहाँ है। हेलो, थैंक यू, हाय। ओ व्हाट्स दिस फॉर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसा कुछ देखने में है, देखो आप पीछे से एक बार, और काफ़ी सारी लेडीज आ चुकी हैं, तो लेट्स सी कैसा जाता है। ये चिट हम ओपन करेंगे और इसमें जिसका भी नाम है वो यहाँ ऑलरेडी है वो आपके पार्टनर बनेंगे, तो आपको उनका नाम बुला के फटाफट से उनको ढूंढना है कहाँ है। मामा चूना वाला, चूना वाला, चूना वाला, चूना वाला, अच्छा ओके। सो आई गॉट माय मेंबर, आई गॉट माय मेंबर, सो ऑल चूना वाला आर गोइंग देयर। ओके सो बस वी हैव गॉट टू फैमिलीज हु केम फर्स्ट, रेस्ट एवरीवन कैन गो बैक, ऑल ऑफ यू कैन गो बैक टू योर सीट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चूना वाला नहीं पहुंचे यार, वो वहां पहुंच भी गए फिर भी नहीं पहुंचे यार। ओह यार, तो जो फर्स्ट फैमिली मेंबर वहाँ पहुँचता पीछे स्टेज पे, आई डोंट नो उनको पहले पहुँचना है, क्या होना है उनके साथ, आई डोंट नो, लेट्स फाइंड आउट। एम्बियंस ऐसा है, एक तो नरवानी जी ने चुना भी ये है कि मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस ये ड्रम उठा रहे और गिटार बजा रहे साथ में मिलकर, राइट, सो लेट्स सिंग द सॉन्ग टुगेदर। बादल पे पाँव है या छूटा पाँव है, देखो कोई चल पड़ी अपनी ये नाव है, कामयाब हम होंगे, कामयाब हम होंगे, कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू सो मच लवली, आज जो हम सीखने वाले हैं, दिस विल बी अ लाइफ टाइम लर्निंग फॉर यू ऑल, वी कैन नॉट सी, और ये जो पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, हम बैठते हैं जहाँ पर भी वो सॉलिड सरफेस मिलता है, टेबल, पर्स, स्किन, हमारे बाल, हमारी ड्रेस, हमारा फेस, एनी वेयर दे कैन सिट। अ लेडीज लाइफ इज लाइक रोलर कोस्टर राइड, अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन उसके बाद, और अगर आपका पार्टनर ये सब चीजें समझे ना, स्पेशली मेनोपॉज का टाइम और प्रेगनेंसी का टाइम, तो हमको कभी कभी ऐसे लगता है कि यार सही किया इससे शादी करके कि नहीं। यू विल रिलेट टू दिस, बाय द वे आई लव माय हस्बैंड, आई एम नॉट एंटी हस्बैंड,
जो इंस्ट्रक्शन था, एजुकेशन था रिगार्डिंग योर स्किन केयर, वो अभी हमें मिला है और अभी फेशियल डेमो स्टार्ट होने वाला है. तो देखते हैं इट्स फीजिबल फॉर मी ऑल्सो टू डू डेमो विद देम. तो करते हैं नहीं तो फिर सीखते हैं एटलीस्ट कि कैसे करना है. आपको अपना फेशियल करना चाहिए. अभी मेरे पीछे वहाँ पे स्नैक्स और मॉकटेल्स स्टार्ट हो चुके हैं तो यार वो लेते हैं. उसको 15 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद एक मेकअप ट्यूटोरियल होगा तो मेकअप कैसे करना है वो बताया जाएगा और फिर दैट्स ऑल आई थिंक. उसके बाद फिनिश हो जाएगा यानी वी कैन लीव. सो अभी चलते हैं कुछ स्नैक्स. प्लेट फिल करके ले आई हूँ मैं भाई, ओवरलोडेड हो गई है एक्चुअली. में क्या है, पीटा ब्रेड है, चिली पनीर है, पाव है, हमस है एंड सम फ्राइज एंड हियर इज माय मॉकटेल मोजीटो. सो लेट्स ईट एंड एंजॉय. अप्लाई करते हैं.
तो गाइस मेरा लुक हो चुका है कंप्लीट, तो ज़्यादा नहीं करते हैं नहीं तो फिर ओवर हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये बेसिक ट्यूटोरियल था, आप रेगुलर मतलब रेगुलर अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप ऐसा मेकओवर कर सकते हैं। इनका मुझे फाउंडेशन बहुत अच्छा लगा, सो मैं शायद इनका फाउंडेशन परचेज करूँगी। तो बहुत लाइट है, मतलब एकदम से बहुत लाइट है, और आप देख पा रहे हैं सर्टिफिकेट्स आर हियर। तो दो सर्टिफिकेट्स मिले हैं, एक है आपका फेशियल के लिए, एक है मेकअप के लिए। तो गाइस गलती से किसी और का सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया था, तो ये है मेरे जी एक्चुअल सर्टिफिकेट्स, बट पूनिया के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, चलो कोई बात नहीं। सो दिस इज़ फ्रॉम ओरिफ्लेम। बहुत गर्मी है, इतनी धूप तो थी नहीं जब हम सुबह आए हैं। 44 है। तो गाइस हम लोग आए हैं ग्लोबल फ्लोयर, दिस इज अ वेरी फेमस छोटा सा मॉल एक विदिन गुड़गांव। तो एक्चुअली मैं हमको सबसे नियरेस्ट वहाँ से निकल के मैकडोनल्ड यहीं पे दिखा रहा था, तो पापा ने जैसे प्रॉमिस कर दिया था कि मैं तुझे बर्गर खिलाऊंगा, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो इसका नाम ग्लोबल फ्लोयर है, यहाँ पे आउडी वाउडी के शोरूम्स वगैरह भी हैं। सो यहीं पे मैकडोनल्ड्स भी है, पता नहीं कहाँ पार्क किया और कौन सी लिफ्ट से हम ऊपर आए हैं समझ नहीं आया, लेकिन अब भी एंटर हुए हैं हम नीचे यहाँ पर। तो मैकडोनल्ड्स चल रहे हैं, यहीं खा के फिर चलेंगे घर। ऑडी नहीं, मर्सिडीज बेंज का शोरूम है यहाँ पे, मैं गलत बोल रही थी। अब चल रहे हैं हम पार्किंग की तरफ और घर चल रहे हैं। एक्चुअली आकर एकदम से चेंज करके जैसे ही आए तो यार बहुत थक गई थी मैं, तो हम लोग लेट गए, रेस्ट किया बहुत सारा, फिर जय की फुटबॉल क्लास थी तो बस डिनर शिनर में सब बिज़ी हो गए उसके रेस्ट करने के बाद, तो टाइम नहीं मिला मुझे आपको बताने का। बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रखी थी आज, और इतनी गर्मी थी कि आज तो मैं पार्क नहीं गई बिल्कुल भी। और जय को भी 7 o'clock पिक कर लिया था रतन ने फुटबॉल क्लास से, ये भी वापस आकर इसने थोड़ी देर साइकिलिंग कर ली। तो मैंने सोचा था कि आज यार आज पार्क नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, और दूसरा इतनी गर्मी थी, मैंने आपको जैसे दिखाया था ना वहाँ से निकल के। तो बस डिनर शिनर हमारा हो गया है,
अब यहाँ तो बिल्कुल सोने जैसी वाली तैयारी है क्योंकि बहुत थका हुआ है, सुबह 6 बजे का उठा हुआ है और कल है जी छुट्टी मुहर्रम की, तो देखते हैं कल क्या प्लान बनता है, बच्चों के साथ बनेगा या आती तेज पीछे से मार लिया अपना क्या कर रहा था तो यार इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करती हूँ एंड आई होप आपको आज का मेरा मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो और ऐसे सेशंस आई जस्ट होप इन फ्यूचर मैं और अटेंड करती रहूँ और आपको दिखाती रहूँ। तो जस्ट अनदर वे ऑफ सेल्फ ग्रूमिंग और खुद को खुश रखने की एक और पहल थी मेरी। तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या होगा और कल देखते हैं क्या प्लान करेंगे। तो अभी के लिए टेक केयर, गुड नाइट और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर वीडियोस। टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय।